कुछ प्रोग्राम्स जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करवा रहा है उसमें हम लोगों ने NSD को ओपन किया है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को. दे आर प्रपोज टू प्रोड्यूस एंड परफॉर्म अ प्रोग्राम, अ प्ले, म्यूजिकल प्ले ऑन 14th of January. इसके अलावा 21st से 23rd के टाइम पे कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ कन्फर्म हुए हैं, उसमें प्रमुखता से जो हमारी सिटिंग MP हैं मथुरा से, हेमा मालिनी जी वो रहेंगी, उनका एक प्रोडक्शन रहेगा बृहद, दैट इज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड. इसके अलावा रेगुलर टॉक्स चल रही हैं एज पर दी अवेलेबिलिटी एंड जो हमारे प्रोग्राम को सूट करता है. तो आई थिंक बाई दी एंड ऑफ दिसंबर वी विल हैव अ मोर कंक्रीट प्रोग्राम. कि इसमें से मैंने कहा कि अराउंड हमारे 200 रेगुलर इवेंट्स और 5 बड़े इवेंट्स हो चुके हैं, उसमें प्राइमरली हम लोगों ने काशी के जो यहाँ के कलाकार हैं, चाहे वो शिल्पकार हों हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम्स रिलेटेड, या फिर हमारे जो यहाँ बनारस घराना है उसको रिप्रेजेंट करते हों, वेदर इट बी वाद्य, वेदर इट बी म्यूज़िक मतलब सॉन्ग गायन या फिर वाद्य. तो हमारा नृत्य, वाद्य और गायन तीनों तरह के जो हमारे बनारस घराने में कवर होते हैं, तो तीनों तरह की जो आर्ट परफॉर्मेंसेज हैं उसके आर्टिस्ट हमारे लगातार परफॉर्म कर रहे हैं स्टेजेस में, एंड वी आर गिविंग देम सम इंसेंटिव आल्सो, मॉनेटरी इंसेंटिव. तो इस तरह से बनारस की कल्चर को प्रमोट करने के लिए और यहाँ के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए एक कॉन्शियस अटेम्प्ट है कि इस PBD को हम यूज़ करते हुए, प्रवासी भारतीय दिवस को यूज़ करते हुए साथ साथ इसको भी इम्प्रूव किया जाए. तो उसमें टूरिज्म विभाग के साथ भी मिलकर जिला प्रशासन लगातार कार्य कर रहा है.